हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, ठीक है ना, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि गेट एकेडमी लॉन्च कर रहा है प्रैक्टिस सीरीज फॉर HPCL एंड DRDO। जैसे कि हमको पता है कि इस समय HPCL और DRDO की बहुत बढ़िया वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है ना। HPCL एंड DRDO है ना, अच्छे अमाउंट में, अच्छे नंबर में वैकेंसीज आई हैं। तो इसीलिए हम लोग यूट्यूब पे एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं HPCL और DRDO के लिए, ठीक है ना। अब इस प्रैक्टिस सीरीज में होगा क्या, ठीक है ना, इस प्रैक्टिस सीरीज में क्या नया होगा? नया ये होगा कि हमें पता है कि इसमें जो हमारा पेपर आना है, रिटन एग्जामिनेशन होना है, वो होना है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और इसमें जो होना है वो हमारा होना है कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल किस हिसाब से होना है, उन्होंने सिलेबस दे रखा है, सिलेबस बिल्कुल जो सेम है, क्या है, UPSC के IES एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट है ना। पेपर वन पेपर टू करके ये एग्जाम होगा, 300 मार्क्स के हमारे दो पेपर होंगे, ये हमें पता है, क्लियर है बात। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। और इस सेशन जो हमारा स्टार्ट होगा वो कल से स्टार्ट होगा, कल यानी कि क्या होगा, 7th ऑफ जुलाई है ना, 10 AM 10 बजे से हमारा सेशन स्टार्ट होगा। 1.5 घंटे का सेशन होगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोग दोनों चीजें करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और कन्वेंशनल भी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे। भाई कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं गेट के लिए भी, अदर एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है ना। कन्वेंशनल की जरूरत है क्योंकि इसमें सिर्फ कन्वेंशनल ही होना है, DRDO में ऑब्जेक्टिव नहीं होना है। इसलिए हम लोग देखेंगे कन्वेंशनल क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे उसकी आंसर राइटिंग होती है, ठीक है ना, वो सब चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। और पहला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा मटेरियल साइंस, जो कि आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग मटेरियल्स करके दे रखा है, ठीक है ना, जो कि मैं ही कवर कराऊंगा कल से सुबह 10 बजे, अराउंड 1.5 आवर की, ठीक है ना, की क्लास हमारी रहेगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल जिसमें हम लोग दोनों करेंगे। अब इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करें, मटेरियल साइंस की, तो गेट में इतना नहीं होता है वेटेज, लेकिन इसमें है। अगर आप देखोगे कन्वेंशनल में तो अराउंड 50-60 मार्क्स का तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। पूरा एक सब्जेक्ट दे रखा है इंजीनियरिंग मटेरियल्स करके, तो हम लोग मटेरियल साइंस बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फेज डायग्राम, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, अलॉयज, हीट ट्रीटमेंट है ना, ट्रिपल टी डायग्राम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो वो सब पार्ट इसमें कवर होगा, मटेरियल्स है ना, तो वो सब पार्ट हमारा इसमें कवर होगा और हम लोग इसको कवर करेंगे कल से। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी गेट एकेडमी को फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, या फिर जो उनके पेड स्टूडेंट्स हैं, वो सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। कल सुबह 10 बजे से हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर कन्वेंशनल करेंगे, और ये सीरीज कंप्लीट होगी ऑल सब्जेक्ट्स, है ना। पहले मटेरियल साइंस चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर दूसरा चलेगा। और ऐसा नहीं है, अब आपको लगेगा सर इस तरीके से कैसे खत्म कर पाएंगे, तो दो सेशन में चलेगा, ठीक है ना। 10 बजे वाला सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और सेम कल से ही 2 बजे भी एक सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा, और जो करेंगे वरुण सर, पैटर्न यही सेम रहेगा, पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर कन्वेंशनल क्वेश्चंस, ठीक है ना, ताकि हम लोग दोनों तरीके के क्वेश्चंस भी देखते रहे, हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे, आंसर राइटिंग भी होती रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना, जो एग्जाम में आए हैं, जो एग्जाम में बहुत बार आए हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता ही रहता है, ठीक है, तो उन टॉपिक्स को हम लोग कवर भी करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, ठीक। तो जो लोग भी सीरियस हैं, किसके लिए, HPCL और DRDO के लिए, कल 10 बजे से प्रेजेंट रहेंगे हमारे प्रैक्टिस सीरीज फॉर HPCL एंड DRDO वाले सेशन में। तो कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, सभी लोग अपना अपना रिमाइंडर लगा लो, 10 बजे में प्रेजेंट रहना है, जो सब जितने भी लोग सीरियस हैं HPCL DRDO के लिए। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गेट तो हमारा काफ़ी बाद में है, इसके एग्जाम तो आपके अभी कंप्लीट हो जाएंगे, 26 अक्टूबर शायद मैं देख रहा था DRDO का है, ठीक है ना, उससे पहले ही HPCL का हो जाएगा। तो जो लोग सीरियस हैं तुरंत एकदम से रेडी हो जाए, ठीक है ना, बहुत अच्छा मौका है, क्वेश्चंस कराएंगे आपको हम, ठीक है ना, और उनकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे ऑब्जेक्टिव, करेक्ट। थैंक यू।